बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हमारे पास होता है जब हमारे पास तीन क्वांटिटीज दी हुई हों। इसे हम लिख सकते हैं ए, बी और सी। इस तरह से होगा ए टू बी, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी। ये मीन्स और ये हमारे पास हैं एक्सट्रीम्स। मीन्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास बी स्क्वायर आएगा और ये बराबर होंगे एक्सट्रीम के। एक्सट्रीम है ए सी। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से बनेगा 45, क्योंकि एक्स हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल है तो x टू टाइम्स लिखा जाएगा। आप देखें ये मीन्स और एक्सट्रीम्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से 25, 5 4 से 20 और 2 22। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो हम बहुत दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं कि अगर हमें एक्स मालूम करना है तो हम इसका रूट लेंगे दोनों साइड्स पर। और अगर आपने टेबल याद किया हो स्क्वायर वाला, जैसे 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं याद तो फिर आप रेफर कर लें। वैसे बेहतर है कि इन चीज़ों को याद कर लें ताकि जल्दी जल्दी हम ये काम कर सकें। थ्री सेवन से 21, 3 5 से 15, 3 2 6, 3 5 से 15, 5 5 से 25, 5 1 से 5। अब ये इस तरह से लिखा जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। पेयर बनते हैं तो रूट से बाहर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आएगा 15। मीन्स अंडर रूट 225 15 का रूट है, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आया एक्स और यहाँ पर आएगा 15। ये हमने मालूम किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। पार्ट टू है इसका, एक्स हमारे पास मेन प्रोपोर्शनल है। थ्री वैल्यूज़ होंगी, थ्री क्वांटिटीज़ होंगी तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होगा। और 16 इज टू एक्स, प्रोपोर्शनल की साइन एक्स इज टू 9। मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 144 एक्स स्क्वायर। इसका हम ले लेते हैं रूट, वन फोर्टी फोर रूट होता है 12 का। अगर आप चाहें तो इसे भी कर लें वरना ये स्किप कर दें। 2 7 से 14, 2 2 से 4, 3 3 से 6, 2 6 से 12, 2 1 से, 2 8 से, 2 9 से, 3 3 से 9, 3 1 से 3। मैं यहीं पर आपको शो करवा देती हूँ। ये देखें एक पेयर, दो पेयर और ये तीन पेयर। तो यहाँ से 2 हमारे पास आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, 2 2 से 4 और 4 3 से 12। तो 12 एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। लेट 3x, सेकेंड वैल्यू हमारे पास है 3x-6। ये हमारे पास मेन प्रोपोर्शनल है। पहली वैल्यूज में हमारे पास सिर्फ x था, अब यहाँ पे ये एक वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी कॉमन से सेपरेट हो रही है ये वैल्यूज।
तो इस तरह से होगा 12 ratio 3x minus 6 proportional 3x minus 6 ratio 27। ये मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x minus 6 multiplied by 3x minus 6 is equal to 12 multiplied by 27। सेम ब्रैकेट हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 3x minus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 324। स्क्वायर को ख़त्म करना है हमें तो रूट लेंगे दोनों साइड पर, 3x minus 6 is equal to 324 का रूट। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 3x minus 6 is equal to 3 to 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1, 2, 3। यहाँ से हमारे पास आया 2 multiply by 3 multiply by 3। ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर्स बन रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, 3 2s are 6, 6 3s are 18। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम ये करेंगे 3x को यहीं पर रखेंगे, 18 माइनस का 6 इस साइड पर आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, 3x is equal to प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। x की वैल्यू हमारे पास आएगी 24, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आएगा डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ रहा है 3 8 से 24। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 1, 2, 3 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। सेकंड क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास होगी मीन प्रोपोर्शनल, वो है 7 proportional x minus 3 ratio 112। मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ तो x माइनस 3 का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल की साइन चेंज हो जाती है इज इक्वल टू में, और 7 मल्टीप्लाई होगा 112 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 1s are 7। और इसका हम ले लेते हैं रूट x माइनस 3 स्क्वायर और 7 84 2 3s are 6 2 9s are 18 2 2s are 4 2 1s are 2 2 8 9s are 18 और 2 6s are 12 2 9s are 18 2 8s are 16 2 4s are 8 2 9s are 18 और 49 7 के साथ ही होगा। अब देखें ये पेयर बना, ये बना और ये बना, जब पेयर बनेंगे तो रूट से बाहर लिख लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 7s are 28, x इज इक्वल टू 28, माइनस का 3 है इस साइड पर आके प्लस का 3 होगा तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 31।